लेकिन जाने वो गोरे ना गोरे फॉरेनर आते हैं ना, तो पाकिस्तान जब आते हैं ना तो कराची में आके वो जावेद की निहारी खाए बगैर वापस नहीं जाते, इतनी प्यारी निहारी होती है उनकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुझे आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है, और आज हमारे पास करा है खाने में कराची का मशहूर और फेमस निहारी, और जिसको आप सब ज्यादातर तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे पास कराची की सबसे मशहूर निहारी है, जो कि ये है जावेद की निहारी। तो स्पेशली तौर पर आज हम ये निहारी लाए हैं, और हम लाए भी मगध निहारी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब वीडियो शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आखिर तक देखिएगा लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ऑयल आ रहा है इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ जबरदस्त। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये होगी इनकी निहारी की ब्यूटी। नींबू डाले नहीं डाले? नींबू डाल लेते हैं। और जी ये है इस निहारी के साथ का मगध, जो कि मैंने सेपरेटली ले लिया था, अलग से लिया था ये मगध हमने। ये दो रोटियां लाया था मैं। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप कानों में हैंड फ्री डाल लें और खामोशी से इस वीडियो को एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी में मगध ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत जबरदस्त नहारी बनी हुई है यार, और स्पाइसी भी हो गई है काफी। पता नहीं हरी मिर्च तेज हो रही है या नहारी मिर्चें ज्यादा है, पता नहीं है। चलिए हम ये मगज वाली बाइट ले लेते हैं। मगज सेपरेटली खा रहा हूँ, इतना जबरदस्त जायका आ रहा है। लेकिन जाने वो गोरे ना, गोरे फॉरेनर आते हैं ना, तो पाकिस्तान जब आते हैं ना, तो कराची में आके वो जावेद की निहारी खाए बगैर वापस नहीं जाते। इतनी प्यारी निहारी होती है उनकी, बहुत जबरदस्त। ये मगज तो बहुत प्यारा बना था, बहुत जबरदस्त मगज नहीं ये निहारी में खास तौर पे ऊंट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। वाह, गोश्त कितना गला हुआ है।
इस वीडियो का यही करते हैं एंड। माशाल्लाह निहारी बहुत ज़बरदस्त थी और ये जो मगज़ था ये बहुत हैवी था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार निहारी थी। और जो है इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।